हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने ये सोचा है जो डॉक्टर्स होते हैं या जो एडवोकेट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपनी आईटीआर रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? क्या कोई एक सिंपल तरीका है जिससे हम खुद ही अपनी आईटीआर फाइल कर सकें? तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित विश्नोई और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईटीआर 4 इन केस ऑफ प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स एंड एडवोकेट्स, और मैं आपको आईटीआर पूरी फाइल करके दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक बने रहिए। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ बेसिकली आईटीआर 4 प्रोफेशनल केस में हम कब फाइल कर सकते हैं, कौन प्रोफेशनल्स होते हैं, उस चीज को हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि आईटीआर 4 प्रोफेशनल केस में कब फाइल करते हैं, कौन प्रोफेशनल्स होते हैं, तो एक बार उस चीज को हम देख लेते हैं। तो आईटीआर 4 में जो प्रोफेशनल्स की डेफिनेशन है, जैसे लाइक लीगल, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, अकाउंटिंग का प्रोफेशन जो करते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, फिल्म आर्टिस्ट, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, तो ये सारे प्रोफेशनल्स में कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब लोग अपनी आईटीआर 4 प्रिजम्प्टिव बेसिस पर फाइल कर सकते हैं, आईटीआर 4 प्रिजम्प्टिव बेसिस पर फाइल कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन क्लियर होगी। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट जो है पूरे साल में जो आपके पास पेमेंट आया है वो 50 लाख से कम होना चाहिए। अगर 50 लाख से ज़्यादा होता है तो आपको ऑडिट में जाना, आप आईटीआर 4 नहीं फाइल कर सकते। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आपकी 50 लाख से कम है ग्रॉसरी, फॉर एग्जांपल 40 लाख है, तो सेक्शन 44 प्रेजेंटिव टैक्सेशन का ये कहता है कि आपको एटलीस्ट 50% ग्रॉस रिसिप्ट की, फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपीज़ आपको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है। अब आप कहेंगे भाई मेरा तो 20 लाख रुपये इनकम नहीं है, मेरी तो कम एक्चुअल में इनकम हुई है, तो आप अपना ऑडिट करा सकते हैं और इस सेक्शन को स्किप करके आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। तो आईटीआर 4 के लिए 50 लाख से कम होनी चाहिए लिमिट, आप प्रोफेशनल होने चाहिए। दूसरी चीज़, जो आपकी 50 लाख से कम है उसका एटलीस्ट 50% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। तो आईटीआर 4 हम जब ही भरेंगे जब ये सारी कंडीशन हमारी मीट होंगी। तो आज मैं आपको एक एडवोकेट की आईटीआर फाइल करके दिखा रहा हूँ कि एडवोकेट के केस में हम अपनी आईटीआर कैसे फाइल करेंगे। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी है, एक इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है कि आईटीआर 3 और आईटीआर 4 हम कब फाइल करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। आपको इनकम टैक्स की साइट पर जाना है, ये इनकम टैक्स की साइट होती है, आईटीआर 4 पर आएंगे और यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से एक जिप फोल्डर आपका बन के आएगा, इसे कॉपी कर लेंगे और डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेंगे आईटीआर 4 का, ये जैसे मैंने बनाया, यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसे और फिर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और ये ओपन होकर आपके पास फाइल आ जाएगी। इस तरह से फाइल आएगी, ऊपर इसमें एक लाइन आ रही होगी प्रोटेक्टेड व्यू, तो यहाँ पर इनेबल एडिटिंग कर देंगे कि हम एडिटिंग करना चाहते हैं। जैसे ही आप करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, वो आपको गाइड करेगा, जो ग्रीन सेल्स हैं वो डाटा एंट्री के लिए, रेड लेबल्स मैंडेटरी फील्ड है, यहाँ पर आपको फिल करने करना है, और कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ओके कर देंगे इसे। अब इसमें क्या करना है, जब हमने ये पूरी खोल ली, अब जिसकी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसे हम इनकम टैक्स में लॉगिन करेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो ये आपका डैशबोर्ड हो गया। सबसे पहले हम 26AS AIS देखेंगे भी, और ये वाली चीज़ अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आप पार्टी से कंफर्म करेंगे, भाई आपने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं करी, कोई FD तो नहीं कर रखी, स्टॉक में डील तो नहीं करते, कोई प्रॉपर्टी तो नहीं बेची, तो सारी चीज़ें आप पूछ लेंगे। काफ़ी बार क्या होता है आदमी बताता नहीं, बट ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं, काफ़ी बार बता भी देता है ऑनलाइन भी, तो डबल चेकिंग हो जाती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो हम 26AS एक बार देख लेते हैं, वैसे हमारे केस में कुछ है नहीं, बट आप किसी भी जिसकी भी रिटर्न आप फाइल करेंगे 26AS AIS पार्टी से बात करके सारी चीज़ें एक जगह लिखकर उसके बाद ही आपको रिटर्न फाइल करनी है, जिससे आपके रिटर्न फाइल करते समय कम टाइम लगे। तो ये 26AS हम यहाँ से देख लेते हैं, 26AS लास्ट तक हम देखेंगे तो कुछ नहीं है हमारे पास। AIS भी मैंने ऑलरेडी देख लिया, AIS में भी कुछ नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद अब हम बढ़ेंगे आगे। अब आगे का क्या स्टेप होगा, बेसिकली आपको प्रीफिल वाली एक फाइल डाउनलोड करनी है, उससे जो नेम एड्रेस का डाटा है वो वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इसके नीचे डाउनलोड प्रीफिल डाटा आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर असेसमेंट ईयर 23-24 और ये डाउनलोड कर लेंगे, ये वाली फाइल डाउनलोड्स में आ जाएगी। अब हमें दोबारा से एक्सेल यूटिलिटी पर जाना है, आपकी एक्सेल यूटिलिटी आ गई, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे प्रीफिल, जो प्रीफिल हुआ उसे इंपोर्ट कर लेंगे, ओके डाउनलोड्स, और ये वाली फाइल हम इंपोर्ट कर लेंगे। इस फाइल से क्या क्या आ जाएगा, आपका नेम एड्रेस बैंक अकाउंट डिटेल्स मेल आईडी फोन नंबर, जो भी आपने लास्ट टाइम आईटीआर में फाइल करा होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब इसके आगे चलेंगे, यहाँ पर आप एक बार देख लेंगे
कि सारी चीज़ें यहाँ पर, नाम हो गया है आपका, पैन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया है, कंट्री कोड, पिन कोड, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, ये सब चीज़ें आपकी हो गई, आधार नंबर नीचे आ गया। अब यहाँ से जो ये क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या आप जॉब भी करते हैं साथ में? नहीं। अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं, आप लीगल एडवोकेट भी हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी और साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तो इसे यस कर देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आपको करना है। रिटर्न आपके कौन से सेक्शन में फाइल हो रही है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, 139(1), क्योंकि अभी ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं फाइल। इसके बाद ये पूछेगा कि आप न्यूज़ीज़म ऑप्ट कर रहे हैं, नहीं, इसे नो कर देंगे आप। इसके आगे चलेंगे, क्या आप करंट ईयर में ऑप्ट कर रहे हैं? नो, नॉट ऑप्टिंग, इसे यस कर देंगे डायलॉग बॉक्स को। आगे चलेंगे, क्या आप 7th प्रोविजो में रिटर्न फाइल कर रहे हैं? तो अगर आपके केस में एप्लीकेबल तो यस, अदरवाइज हमारे केस में नो है तो हम नो कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस का मैंने जवाब दे दिया। अब इसके बाद आप शीट पे जाकर एक बार शीट चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे, तो ये शीट ओके हो गई है। जब हमारी ये वाली शीट ओके हो जाएगी तो बराबर में बीपी वाली शीट दे रखी है, बिजनेस प्रोफेशन, वहाँ पर हम जाएंगे। ITR-4 देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये ट्रेडर्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है। ट्रेडर्स अपनी सेल का 8% या 6% दिखाते हैं और प्रोफेशनल 50% दिखाते हैं। तो मैं ट्रेडर्स वाली ऑलरेडी आपको वीडियो दे चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रोफेशनल्स के केस में, तो अभी हम 50% वाली रिटर्न ये फाइल कर रहे हैं। तो जब आप प्रोफेशनल केस बने तो इसके लिए सेक्शन है 44AD, तो आप यहाँ पर देखिए कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंटेड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AD। सबसे पहले पूछा नेम ऑफ बिजनेस, अगर आपका किसी फर्म बनाकर कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो फर्म का नाम यहाँ पर लिख देंगे, अदरवाइज आप इंडिविजुअल जो अपना नाम है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बिजनेस कोड हमारे केस में क्या है, लीगल प्रोफेशन, तो हम लीगल प्रोफेशन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे आएगा ग्रॉस रिसीव, भाई कितने पैसे आपने पूरे साल में रिसीव करे हैं, तो हमने 8.5 लाख रुपए हमारी फीस आई है। अब यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दे रखी थी 50% आपको दिखाना है, वो मिनिमम है, चाहे आप चाहे तो ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। तो हम अपने केस में हमारी इनकम ज़्यादा हुई तो हम ज़्यादा दिखाएंगे। ये मैंने आपकी अपनी यहाँ पर इनकम दिखा दी है। आगे चलते हैं, जब हम ये वाली चीज़ें डाल लेंगे तो इसके साथ ही साथ नीचे बैलेंस शीट की 4 फिगर आपको और डालनी है, वो मैं बता देता हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स और आपका इन्वेंट्री और कैश। तो इन्वेंट्री तो होने का नहीं, क्रेडिटर्स भी नहीं होने के हमारे, तो ये हम जीरो कर देते हैं क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री जीरो कर देते हैं। डेटर्स जिससे आपको पैसे लेने अगर आपके हैं केस में तो वो डाल सकते हैं। कैश इन हैंड कितना है वो आप डाल सकते हैं। इसमें बैलेंस शीट का टोटल मैच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट मैच नहीं होगी क्योंकि हमने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रखे हैं। तो ये फिगर हम डालने के बाद बीपी वाली हमारी पूरी शीट ओके हो जाएगी। हम इसे चेक करेंगे शीट को, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, प्लीज़ एंटर सन्ड्री क्रेडिटर्स में और जीरो लिखना है हमें, वो हमारा रह गया, वो भी हम लिख देते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं। ये जीरो मैंने लिख दिया है, ये शीट हमारी ओके हो गई है। अब हम चलते हैं सेक्शन 80D का एक कॉलम आता है, अगर आप ये डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो इसमें मेंशन करेंगे, अदरवाइज इसे नो करना, वरना ये बाद में आपको एरर देगा। नो नो। तो हमने अपनी बिजनेस इनकम डाल दी है, ठीक है, जो बैलेंस शीट की फिगर्स थी कुछ वो डाल दी हैं। अब इसके बाद आपकी कोई और इनकम है वो आप डाल सकते हैं, लाइक सैलरी से अगर आप इनकम कमा रहे हैं वो डाल सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है वो डाल सकते हैं, या आपने कोई अदर इनकम कमाई है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमारे केस में क्या है, हमारे केस में केवल सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर जाना है, यहाँ से राइट क्लिक सेलेक्ट करेंगे, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पर जो भी आपका इंटरेस्ट है वो डाल देंगे। और साथ में ये वाला इंटरेस्ट आपको इसकी डिडक्शन भी लेनी है, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो 80 TTA में, और सीनियर सिटीजन है तो 80 TTB में इसकी डिडक्शन लेंगे। तो हैंड टू हैंड में इसकी डिडक्शन भी डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने अपनी सारी इनकम यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद यहाँ पर टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में आप यहाँ पर जाएंगे नीचे, एक तो प्लेस लिखना है, यहाँ पर प्लेस लिख देंगे अपना, और जो आपका बैंक अकाउंट आ रहा है उस पर एक टिक कर देंगे, सेलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट, चाहे आपका भले से रिफंड ना हो फिर भी आपको इस पर टिक करना है। जब आप सारी डिटेल्स फिल कर देंगे इसके बाद आपको कैलकुलेट टैक्स पर टिक करना है। अगर आपकी कोई भी एरर प्रॉब्लम है तो वो बता देगा, तो आप उस चीज़ को फिल कर सकते हैं, वो चीज़ रह गई है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद आपको करना है जनरेट JSN, और JSN पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जहाँ पर आपने फाइल सेव करी होगी वहाँ पर ये वाली फाइल आपकी बन जाएगी। इसके बाद आपको इनकम टैक्स पर लॉगिन करना है, लॉगिन मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ई फाइल पर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर ITR-23-24 असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप 139(1), ऑडिट नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर ITR-4 सेलेक्ट करके
कंटिन्यू कर देंगे और अटैच फाइल में जाकर आप ये वाली जो आपने फाइल बनाई है वो वाली फाइल वहाँ पर यहाँ से अपलोड कर देंगे। एक मिनट, थोड़ा अभी कुछ साइट में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार दोबारा करके देखते हैं। 23-24 फाइलिंग टाइप 139.1 नो, ITR4 सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, कंटिन्यू, अटैच फाइल, ये वाली फाइल अटैच कर देंगे। अभी एक्चुअली साइट में थोड़ी प्रॉब्लम, जैसे हमने पहली बार करा था तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो हमने दूसरी बार ट्राई करा, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करके इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है आईटीआर के फॉर्म्स अपडेट हो रहे हैं साइट में, तो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये वैलिडेशन सक्सेसफुल, प्रोसीड टू वेरीफिकेशन। आप चाहें तो इंस्टेंट ही वेरीफिकेशन करते हैं, जो मैं रिकमेंड करता हूँ रिफंड के केस में आपको इंस्टेंट करना, अदरवाइज आप यू कैन सबमिट 30 डेज बाद भी आप वो कर सकते हैं ये वेरीफिकेशन, देन कंटिन्यू और ये आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो ये रिटर्न सबमिट हो गई और आपका एक्नॉलेजमेंट आपके सामने आ गया है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी कि डॉक्टर्स के केस में, एडवोकेट के केस में, प्रोफेशनल केस में आप ITR 4 कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर आप खुद प्रोफेशनल हैं आप अपने रिटर्न घर बैठे बैठे फाइल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कंसल्टेंट की हेल्प लेना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है। जैसे बॉडी का चेकअप हम कराते हैं, मेडिकल रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी फाइनेंशियली ये वाली रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई गलती हो सकती है तो उसमें नोटिस भी आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं हम आपकी हेल्प करें फाइलिंग करने, तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। मैंने नंबर अपना दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सअप पर अपने रिकॉर्ड भेज सकते हैं, हम आपकी ITR फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप चाहते हैं इस तरह की और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो जो भी आप चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी आपको जल्दी ही वीडियो दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।